किसान आंदोलन के दौरान कई किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। किसानों के संगठन ऐसे किसानों को शहीद का दर्जा मांग रहे हैं। छतरपुर में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने कई मुद्दों को उठाया गया। छतरपुर के एक होटल में आयोजित इस किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक शिव कुमार कक्काजी ने किसानों से जुड़े कई मुद्दे मीडिया के सामने रखे। इस दौरान किसानों से जुड़ी मांगों को भी उठाया गया और कहा गया कि सरकार से इन मांगों को मनवाने के लिए किसान आंदोलन की राह पर रहेंगे। देखिए, इस यात्रा का हम लोगों ने एक शहीद रथ के नाम से निकाल के जो बस हमारी चल रही है उसमें हमने शहीद रथ लिखा है और दूसरा उसमें लिखा गया है किसान मजदूर बचाओ यात्रा। शहीद रथ का मतलब यह है कि हमारे जो लखीमपुर खीरी में शहीद हुए, उत्तर प्रदेश के मंत्री ने अपने बेटे से हमारे 6 किसानों को रौंदा दिया था जब हमारा दिल्ली आंदोलन चल रहा था, और 740 किसान हमारे शहीद हुए जो 378 दिन दिल्ली में आंदोलन चला। मंदसौर गोलीकांड हुआ, बरेली गोलीकांड हुआ, तो ऐसे इन बीचों में हमारे बीच से हमारे कार्यकर्ता काफ़ी शहीद हुए। तो जो 740 किसान शहीद हुए थे, सरकार से हमने कहा कि एक बेटा हमारा बाडन में जब शहीद होता है, लड़ाई नहीं चल रही है, आतंकवादियों द्वारा मारा जाता है, मर्डर किया जाता है, उसको शहीद का दर्जा मिलता है। दूसरा किसान और हमारा बेटा आंदोलन जो कर रहा था वो देश के किसानों के लिए कर रहा था, उसको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उसको मुआवजा मिलना चाहिए और उसको परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए। तो जो 3 काले कानून का आंदोलन दिल्ली में चल रहा था उसको तो वापस उन्होंने लिया और 5 मांगों पे उन्होंने सहमति बना के कि हम 6 महीने में पूरी कर देंगे। जो 740 किसान हुए उनके परिवार को मुआवजा देना, शहीद का दर्जा देना। दूसरा C2+50 का जो बात चल रही है उसमें वो कानून बनाने की बात कही कि मैं कानून बना दूंगा और आपको उचित दाम मिलेगा। दूसरा, देश के अंदर करीब 2.5-3 लाख मुकदमे बने किसानों के आंदोलन के टाइम में, उसको भी वापस लेने की बात उन्होंने कही थी। तीसरा हमारा था कि हरियाणा पंजाब के किसानों को, हमारे यहाँ जो पुआल बोलते हैं वहाँ पलारी बोलते हैं, उसको जलाने पे 1 करोड़ का वहाँ जुर्माना है, 7 साल की सजा है। तो जो 1 करोड़ का जुर्माना था उसको तो सरकार ने वापस लिया आंदोलन में। मुकदमा जो लगता है उस पर अभी कहा था कि इसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो ये जो 5 मांगों में सहमति भारत सरकार से बनी थी दिल्ली आंदोलन में, उसको सरकार ने पूरा नहीं किया। 2024 में हम फिर से दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश से उस बार हमारी संख्या कम थी। मध्य प्रदेश दूर भी पड़ता है और उस समय ट्रेनें बंद थी, कोरोना का मामला था। तो जो भारत सरकार की मांगे हमारी पेंडिंग है, सरकार ने वादा किया था, इस जन जागरण के माध्यम से हम किसानों की तैयारी भी कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, उनको अपने जागरूक कर रहे हैं। और चुनाव का समय है तो हमारा किसान, जिस तरह से हम आपके सामने बात कर पा रहे हैं, तो हमारा किसान भी अपने नेताओं से जवाब सवाल कर सके, उसके लिए हम ये जन जागरण के लिए निकले हैं। और ये चुनाव के वक्त इसीलिए हम निकले हैं और हमारी कहीं यात्रा रुक भी नहीं रही है, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन में हैं, हमारा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है और ना किसी सरकार का हम सपोर्ट करते। हम तो सिर्फ किसानों को ये बताएंगे कि सरकार ने ये कहा था और नहीं किया है, अब आपको क्या तय करना है, क्या निर्णय लेना है, वो किसान खुद निर्णय लेगा। अगर हम किसी सरकार की बात करेंगे, आरोप लगते हैं। हम लोग जब 20 साल पहले काम करते थे तो कांग्रेस वाले कहते थे कि ये तो BJP के हैं, संघ के हैं। आज आंदोलन कर रहे हैं तो कहते हैं ये कांग्रेसी हैं। अब बुलेट के दीवानों के लिए मार्केट में आ गई है एक नई सेंसेशन, बुलेट नेक्स्ट जनरेशन न्यू स्टैंडर्ड 350। सिर्फ 1,73,000 रुपए से स्टार्ट आपकी नई बुलेट
350। आकर्षक माइलेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये है नेक्स्ट जनरेशन की नई बुलेट 350। अगर आप हैं रफ्तार के दीवाने तो आज ही आइए और ले जाइए न्यू स्टैंडर्ड 350 सिर्फ 21,000 रुपए के डाउन पेमेंट पर। आज ही आइए हमारे शोरूम और ले जाइए अपनी नई बुलेट। हमारा पता है क्लासिक व्हील्स, सागर रोड, छतरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6264454031।